हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लजीज़ कुकिंग में। आज मैं आप लोगों के लिए शिवरात्रि स्पेशल मेवे के लड्डू लेकर आई हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। आप अगर एक लड्डू भी खाएंगे तो आपको इसमें बहुत एनर्जी मिलेगी। इससे मेवे के लड्डू बनाने के लिए हमने आधी कटोरी किशमिश ली है, एक कटोरी पिस्ता लिए हैं जिसको हमने बारीक काट लिया है, एक कटोरी बादाम लिया है और एक कटोरी काजू लिए हैं, दो बड़े चम्मच वाइट तिली ली है और एक चम्मच चिरौंजी ली है। जो पिस्ता है वो हमने रोस्टेड नहीं लिए हैं, सादा वाले लिए हैं। एक हमने नारियल का बड़ा वाला गोला लिया था और इसको बारीक किस लिया है। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में एक चम्मच घी डालेंगे और ये जो सारी मेवा हमने काटी थी उनको थोड़ा थोड़ा रोस्ट करेंगे। मेवा यहाँ पर हमने बारीक काटी है, आपको जैसी पसंद हो, अगर आपको थोड़ी बड़ी पसंद हो तो आप बड़ी भी काट सकते हैं। यहाँ पर हमने ज़्यादा बड़ी नहीं काटी है जिससे कि हमें इसे लड्डू बनाने में बांधने में आसानी होगी। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें जिससे कि ये जल ना जाए। मेवा रोस्ट हो चुकी है, अब हम इसे एक थाली में अलग निकाल लेंगे। अब हम इसमें नारियल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा हम नारियल को भी रोस्ट करेंगे हल्का सा। इसे भी चलाते रहना है और ध्यान रखें कि जो फ्लेम है वो कम ही रहे, अगर ये फ्लेम ज़्यादा रहेगी तो हमारा नारियल थोड़ा सा जल सकता है। नारियल भी रोस्ट हो चुका है, अब हम इसे अलग हटा लेंगे। अब हम कढ़ाई में एक कटोरी पानी डालेंगे और उसी कटोरी के नाप से हम एक कटोरी शक्कर डालेंगे। यहाँ पर हम चाशनी बना रहे हैं, हम चाशनी से लड्डू को बांधेंगे। चाशनी को मीडियम फ्लेम पर उबलने देना है। ध्यान रहे कि हमें चाशनी ज़्यादा कड़क नहीं बनानी है, हमें नॉर्मल चाशनी बनानी है। देखिए चाशनी उबल चुकी है, इसमें अब हमने आधी चम्मच इलायची पाउडर डाला है और यहाँ पर हम एक चम्मच सौंठ भी डालेंगे। सौंठ जो है वो हमारे जो हड्डियों का दर्द होता है उसमें बहुत लाभकारी होती है, इसलिए जब भी आप ये लड्डू बनाएं तो सौंठ ज़रूर डालें और इससे थोड़ा सा टेस्ट फ्लेवर भी आता है। अब हम इसमें नारियल डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे चाशनी और नारियल को। धीरे धीरे हमें इसे पूरा मिक्स करना है अच्छे तरीके से। नारियल मिक्स हो चुका है, अब हमने जो मेवा रोस्ट की थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और नारियल और मेवा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लड्डू बनाने के लिए चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, इसलिए जब इसमें हल्का हल्का पानी हो तभी गैस बंद कर दें। अगर ये एकदम सूख जाएगा तो हमारे लड्डू कड़क हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी हो तभी गैस बंद कर दें। अब इसे हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था, ये ठंडा हो गया है, अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। गर्म होने पर लड्डू ना बनाएं, इससे आपके हाथ जल सकते हैं। देखिए ये बहुत ही इजीली बन रहे हैं, बहुत इजीली ये बन जाएंगे। ये लड्डू बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हैप्पी शिवरात्रि।